नमस्कार। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का हमारे एपिसोड 3 भाग में विभाजित है। पहला भाग जो है वो एक मॉरल स्टोरी है रक्षाबंधन के ऊपर। दूसरा भाग जो है इसके हिस्ट्री से रिलेटेड है जिसके कारण रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। और तीसरा भाग जो है वो मेरे अपने खुद के विचार हैं इस पर्व के प्रति। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। संदीप और पायल भाई और बहन थे। संदीप बड़ा था और इस कारण से वो उसका फ़ायदा भी उठाता था, अपनी छोटी बहन को काफ़ी सताता भी था। एक बार क्या हुआ कि एक ही दिन आपका रक्षाबंधन भी पड़ गया और संदीप का बर्थडे भी पड़ गया। तो पापा मम्मी ने बोला कि कल हम मार्केट जाएंगे, तो संदीप तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। अगले दिन वो मार्केट चले गए। इसी बीच संदीप ने क्या किया, अपनी साइकिल निकाली और खेलने को निकल पड़ा। पीछे पीछे उसकी बहन भी निकल पड़ी, काफ़ी रोने लगी कि मुझे भी साइकिल चलाना है, मुझे भी साइकिल चलाना है। काफ़ी ज़्यादा देर रोने के बाद संदीप ने उसे साइकिल दे तो दी, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसने साइकिल से उसे गिरा दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पायल को काफ़ी चोट आई थी। इसी बीच उसके मम्मी पापा जो है वो बाज़ार से आ गए और उन्होंने देख लिया। उन्होंने संदीप को काफ़ी फटकार लगाई कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना और तुम इसे गिरा के हंस रहे हो। इस पर संदीप रोने लगा। भाई को रोता देख पायल ने कहा कि पापा मम्मी प्लीज़ आप इसे मत डांटो, इसकी गलती नहीं है, मैं खुद ही साइकिल से गिर गई थी और इसलिए मैं रोने लग गई थी। पापा मम्मी ने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह पापा ने संदीप को बुलाया और बोला कि बेटा ये लो चॉकलेट। संदीप बड़ा खुश हुआ कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। बोले नहीं, ये जब तुम्हारी बहन तुम्हें जब राखी बांधेगी तब उसे ये गिफ्ट दे देना। बोला क्यों, मेरे लिए आप लोग कभी गिफ्ट नहीं लाते, ये मेरा है, मेरे जन्मदिन का गिफ्ट है और मैं इसे उसे नहीं दूंगा। यह कहकर थोड़ी देर के बाद संदीप बाहर जाके वो चॉकलेट खा लेता है। जब त्यौहार का वक्त आता है और जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसके बाद वो मांगती है कि भैया मुझे मेरा गिफ्ट दो, तो उसने बोला कौन सा गिफ्ट, मेरा बर्थडे का गिफ्ट था, वो मैं खा भी गया। इस पे जो है इसे रोना आने लग जाता है। तब मम्मी पापा जो है उसे डांटते हैं, फटकारते हैं संदीप को कि हमने तुम्हें दिया था ना गिफ्ट, फिर तुम क्यों खा गए। जब इस बात पे संदीप को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि आप लोग मेरे लिए कभी गिफ्ट नहीं लाते हैं, और वो रोने लगता है। उसका रोना देखकर उसकी छोटी बहन बोलती है कि भैया आप मत रो, मुझे नहीं चाहिए कोई भी गिफ्ट, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। संदीप आश्चर्यचकित हो जाता है, उसके माँ पिताजी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गिफ्ट लेके आती है छोटी बहन, वो रहता है कि स्पोर्ट्स वॉच। माँ पिताजी पूछते हैं कि ये कहाँ से लाई तुम। उन्होंने बोला कि पापा मम्मी आप जो भी मुझे पैसा देते थे उसे मैं गुल्लक में रखती थी, उसी गुल्लक को तोड़कर मैंने भैया के लिए गिफ्ट लिया है। संदीप की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। जो काम डांट और फटकार नहीं कर पाती है वो ये बहन का प्यार कर जाती है। वो बोलता है कि आइंदा से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी रखूँगा और तुम्हें कभी गिराऊंगा भी नहीं, तुम्हें सताऊंगा भी नहीं और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन का जो हिस्ट्री है वो महाभारत काल से रिलेटेड है। कहा जाता है श्री कृष्ण जी की एक चाची थी श्रुति देवी, उन्होंने शिशुपाल नाम के विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों का यह कहना था कि जिसके स्पर्श से यह ठीक होगा उसी के हाथों शिशुपाल की मृत्यु भी होगी। एक बार श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी चाची के यहाँ घूमने जाते हैं। तब वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं और वो बच्चा जो काफ़ी सुंदर हो जाता है, लेकिन उनकी माँ जो है वो विचलित हो जाती हैं। श्री कृष्ण उनके विचलित होने का कारण पूछते हैं तो श्रुति देवी यह कहती हैं कि पहले आप ये वादा करो कि ये कितनी भी गलतियाँ कर दे आप इसको सज़ा नहीं दोगे। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियों तक माफ़ करूँगा, उसके बाद नहीं। बाद में शिशुपाल जो है वो चिड़ी नामक एक राज्य का राजा बनता है। काफ़ी क्रूर रहता है, राज्य के सभी लोग इससे परेशान रहते हैं। ये हर जगह कृष्ण जी की निंदा भी करता रहता है। एक बार इसी तरह से जब ये राज्यसभा में इनकी निंदा कर रहा था उस समय इसके 100 जो गलतियाँ होती हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण जी गुस्सा होकर के अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध कर देते हैं। पर इसी दौरान सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली में चोट लग जाती है जिससे रक्त बहाव शुरू हो जाता है। सब लोग इधर उधर भागते हैं कि कैसे इनके रक्त को रोका जाए। तभी वहाँ पर द्रौपदी जो है अपने साड़ियों के पल्लू से कपड़े को फाड़ कर इनके उंगली में बांधती हैं और इनका रक्त बहना रुक जाता है। तब श्री कृष्ण उन्हें बोलते हैं, हे देवी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुसीबत के इस पल पर तुमने मेरी सहायता की है, मैं भी तुम्हारी मुसीबत के पल में सहायता करूंगा, तुम मेरी आज से बहन हो। और इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया था भरी सभा में, तब श्री कृष्ण जो है इनके रक्षा के लिए आते हैं और अपना धर्म निभाते हैं। तभी से जो है राखी का पर्व जो है इस तरह भाई बहन के बीच का गाढ़ा रिश्ता बनता चला गया और आज तक उसे फॉलो किया जा रहा है। राखी को सिर्फ आप एक कच्चा धागा ना समझें, एक बार ये कलाई पर बंध गई ना तो ये ब्रह्मांड का सबसे मजबूत रिश्ता बन जाता है।
सिर्फ राखी बांध देना एक बहन का फ़र्ज़ नहीं होता, और सिर्फ गिफ्ट पेटीएम के द्वारा उसके पास पहुंचा देना एक भाई का फ़र्ज़ नहीं होता, पर आज की जनरेशन सिर्फ इसी में लिप्त है। जब भगवान ना करे ऐसा गंभीर वक्त आए, उस समय जब आप अपनी बहन की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, वह हो गया आपका सबसे बड़ा धर्म। अच्छे वक्त में तो हर कोई होता है साथ, जब बुरे वक्त में कोई साथ दे दे, वही भाई, वही दोस्त, वही सच्चा यार। ठीक है, तो जब ऐसा कभी आपको वक्त लगे कि नहीं मुझे इस खास की ज़रूरत है, जहां मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, और वहां आपका भाई खड़ा हो, तो समझ लीजिए कि रक्षाबंधन का फ़र्ज पूरा हुआ। यह वीडियो किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है, पर यह दर्शाने के लिए बनाया गया है कि रक्षाबंधन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। रक्षाबंधन को आप एंजॉय कीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल निःशुल्क है। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।